ये लोग बोल रहे हैं यही पे बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं, एक छोटा सा गुफा काइंड ऑफ है, वहाँ पे चार तेंदुआ का बच्चा है, मतलब लोकल लोग देखे हैं वहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या, बाप रे क्या भयानक बदबू आ रहा है यहाँ से। वेलकम बैक टू अनदर ग्रुप कैंपिंग। जैसे थंबनेल से पता चल गया आप लोगों को, भाई आज ग्रुप कैंपिंग में बड़ा ही मज़ा होने वाला है। देखो वीडियो थोड़ा दूर से स्टार्ट कर रहा क्योंकि भाई हमारा जो पंचू है ये भी अभी थोड़ा बहुत एडवेंचर करने वाला है। निकलो तो देखो गाइज, सबसे पहले दिखा देता हूँ हमारे साथ आप लोगों का चहिदा। निकल निकल भाई। लाला लाला तुम्हारा दोस्त कहाँ है, भोला किधर है? ओ पता नहीं, गुमा बढ़ गया उसका क्या। और इसके साथ ये देखो कौन है आप लोग का चहिदा विकास। खुश हो कि नहीं गाइस इसको देख के? अरे थोड़ा वार्डन से कुछ बोलो, इतना दिन बाद आया। बोलू वही समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गए थे वो बता दो, इतना दिन वीडियो में घूमने गए थे हम। तो देखो गाइस ये घूमने गया था और आप लोग मुझे गाली दे रहे थे विकास को क्यों नहीं ला रहे हो। एक कोशिश हमेशा रहता है कि विकास आए, लेकिन उसका भी सबका हर टाइम मिले तभी ना, फुर्सत नहीं मिलता है। गाइस टिंकू चलो शुरू करो, देखो सामने एडवेंचर होने वाला है। देखिए गाइस यहाँ पे सामने है एक छोटी गंगा, इसको पार करना है। ये जो गाइस कोई हाईवे वगैरह नहीं है, ट्रैक्टर जाने का रोड है, जंगल के अंदर से पूरा। ऑलरेडी बहुत दूर से पूरा जंगल के अंदर से आए हैं। तुम थोड़ा साइड जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। राइट बंडी दबा के धक्का मारूं क्या पीछे से? टिंकू लेके जा रहा है? मैं कहाँ, मैं कैमरा पकड़ के बैठा हूँ रे, खड़ा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ, रास्ता नहीं है कुछ नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन तक। विकास रेडियो, कहाँ पे हम लोग कैंपिंग जा रहे हैं देखने के लिए? देखते भाई विकास का क्या कुछ जबरदस्त, मतलब ये वाला जो वीडियो हो रहा है हम लोग का, जो पहले का जो इसका बनाने का जो जितना भी सारा वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो ये लोग को कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे कैसा घर बना है, क्या नहीं, क्या वगैरह, कितना दूर है, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो चलो को भी पता नहीं, जाके देखते हैं, देखते हैं क्या जबरदस्त। अरे इन लोग को कैसा लगता है, चलो। विकास अगर बकचोदी नहीं करेगा तो फिर लोगों को मजा नहीं आएगा। चलो ये दोनों ने ही बनाया है क्या, किसका घर है क्या इसका? बहुत बनाया है ना? हाँ? ये घर किसका है, कौन रहता है, किसका है ये? कैसा लगा विकास? बहुत ही जबरदस्त, माशाल्लाह। कहाँ घर? अरे अरे इस गर्मी में बस ठंड है, ठंड है, ठंड है। अरे वाह कितना मस्त ठंड है बे, गजब गजब है। हवा भी पूरा लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है एसी लगा हुआ है। घर तो ठीक है भाई, मुझे लग रहा था कि ऊपर शायद कुछ देना पड़ेगा, लेकिन देने की कोई जरूरत नहीं, पूरा ठीक है। ये बनाया किसने? बनाया भाई पता नहीं कौन बनाया, हम लोग को मिला है आके कोई रहा होगा। अरे ये देख रहा क्या है विकास? हवन है, हवन देखना देखना क्या है, समझ में आएगा बाद में। हवन हवन मतलब विकास, विकास तब से बोलने की कोशिश कर रहा है ओवन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे 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 क्या सुना तेरे पता है, हवन हवन बोले, हवन हवन बोले, हवन करेंगे हवन करेंगे। ये देखो अभी से ही देखो क्या हाल है,
हाँ किसका? अरे भाई तो दिमाग लग गया पूरा पूरा दिमाग एक ही पेड़ में लगा। इसमें भी लगा है। किधर? इसमें भी लगा है। पे आया हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ, तुम लोग एक्टिंग करो। पकड़ो। अरे नजारा तो इधर है, मैंने अभी तक नहीं देखा। ये अब तक नहीं देखा। तुमको क्या लगा ऐसे जंगल में बैठ के बना दिए क्या विकास? खाली खाली तुमको लोग बकचोद नहीं बोलते? बहुत ही भयंकर। कैसा लगा? कैसा लगा? मजा आएगा कि नहीं यहाँ पे रहने के लिए? एकदम। यहाँ पर तीन दिन तो क्या, मैं साला पूरा हफ्ता रहने को रेडी हूँ। रेडी है ना? खाना तो चलो गाइस एक काम करते हैं। सुनो, सबसे पहला काम है clean. पूरा एरिया को क्लीन करना है, ठीक है? उसके बाद काम पूरा एरिया को पहले क्लीन कर देते हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग सेटल ही हो रहे थे कि भाई यहाँ पे देखिए गांव से दो भाई आए हैं, ठीक है ना। ये लोग कुछ और एक रीज़न से आए थे, जो रीज़न की हम लोग को बताने के बाद हम लोग शौक हो गए। नहीं पूरा देखो, सारा सामान लेके अभी जा रहे हैं। न्यूज़ ये था कि ये लोग बोल रहे हैं यहीं पे बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं, एक छोटा सा गुफा काइंड ऑफ है वहाँ पे। कितना? आठ तेंदुआ का बच्चा। चार तेंदुआ का बच्चा है, मतलब लोकल लोग देखे हैं वहाँ पे। मतलब ये जो एरिया है भाई, कोई घना जंगल नहीं है यहाँ पे आसपास, मतलब बस्ती वगैरह सब भरती पड़े हैं। और इसके अंदर भाई पता नहीं, बोले तेंदुआ का बच्चा है। मुझे तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो तेंदुआ नहीं, हायना का बच्चा हो सकता है यहाँ पे, जिसको हेटाबागो बोला जाता है, तो उसका बच्चा हो सकता है। क्योंकि बीच में सुनने को मिला था कि हमारे इस एरिया में जो हायना का आतंक मचाया है, बहुत बहुत बकरी लोगों को, बकरी उसके बाद गाय वगैरह को बहुत मतलब नुकसान पहुंचाया गया है। 8-10-15 एक साथ एक ही दिन में मारे गए हैं, ठीक है ना। उनका अंतड़िया वगैरह मतलब पूरा निकाल दिया गया है, जिंदा जब जिंदा था। तो ये सब चीज़ जनरली हायना ही करता है। तो वो लोग बोल रहे कि ये लोग को वहाँ पर जाने में डर लग रहा है, दो जन है अभी। हम लोग को देखे तो बोल रहे कि चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। बहुत एक्साइटेड है, बिल्कुल एक्साइटेड है, क्योंकि ऐसा चीज़ भाई ज़िंदगी में शायद पहली बार देखेंगे। देखते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कुछ देख के समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ मतलब कब्स वगैरह है कि नहीं। मुझे हाईली डाउट लग रहा है तेंदुआ का कब्स नहीं होगा, हायना का ही हो सकता है। तो गाइस चलो, और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ये वाला चीज़ हम लोग जो देखने जा रहे हैं, रिस्की है। क्योंकि आप लोगों को पता है एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके ड्रोन से कोशिश करेंगे वो जगह देखने के लिए। ज़्यादा पास नहीं जाएंगे ताकि वो लोग डर जाए कि जो भी करें। तो अगर ये वाला न्यूज़ सही हुआ तो देखते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, वो लोग यहाँ से जो व्यवस्था करेंगे और क्या। क्योंकि इस एरिया में रहेगा तो उनका जिंदा रहना नामुमकिन है। तो चलो देखते हैं भाई, ऐसे जगह पे अगर शेर वगैरह में मिले तो फिर कुछ अलग ही बात है। जंगल के अंदर अभी फिलहाल घुस चुके हैं, जा रहे उसी तरफ, उनकी तरफ पता नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉपरली नहीं बता पा रहा है कितना बड़ा है क्या नहीं वगैरह। जंगली बिल्ली का ये नहीं है ना, बच्चा नहीं है ना। इधर है, यहाँ पे कहाँ है गड्ढा, कहाँ है वो बांस का पेड़? बांस का पेड़ है? बोला जा रहा है बांस का जो झाड़ी है इसके आसपास ही है। कहाँ है यहाँ पे तो दादा, पास का करते नहीं। कहाँ है यहाँ पे, कोई गड्ढा वड्ढा तो कुछ नहीं है? ऊपर कोई चले कहीं दूर से तो बुला रहे हैं, शायद जगह मिला है, शायद जगह मिला होगा। ऑब्वियसली शेर नहीं मिला होगा वरना ऐसे नहीं बुलाते, बोलते भागो भागो चिल्लाओ के इस टाइप का कुछ बोलते हैं। भेड़ का कहाँ पे? कहाँ है
पागल। ये देखिए गाइस, ये रहा भेड़ का स्किन, मतलब जो बीच में सुनाई दिया गया था कि हम लोग के इस एरिया में जो हमारा गैस का पूरा स्मेल आ रहा है, देखो यहाँ तक, मतलब यहाँ तक खींच के लाया गया है, मतलब जगह नहीं मिला सिर्फ ये मिला। नहीं, ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब आसपास कहीं पे होगा, बदबू बहुत है। क्या मिला? मिल गया? पता नहीं, बोल तो रहे सब, दौड़ रहे, मिला है बोलते। क्या मिला पता नहीं, देखते हैं। गाइस यहाँ पे क्या, बाप रे, क्या भयानक बदबू आ रहा है यहाँ से, बदबू आ रहा है यहाँ से, देखिए। अरे ये देखिए ये जो जगह, तो हट जाओ, दिखा देते एरिया को। पोटी है कहाँ पे? इधर ही पोटी, इधर देखो। ये रहा पोटी, यहाँ पे भी पोटी है। छोटा है बहुत, ये तेंदुआ का नहीं है, तेंदुआ नहीं है, और पूरा बच्चा का पैर के निशान जैसे लग रहा है यहाँ पे। देखिए गाइस ये वाला, हटो ये, हटाओ धूप गिरने दो, पत्ता कहाँ से गिर, ये इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटाओ, ये रखो, ये छोटा वाला है, छोटा बच्चा नहीं, बच्चा है। ये देखो बच्चा है, पैर का निशान, इसको मत मारो। यहाँ पे निशान है नाखून का, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है नाखून का निशान। ये एक है, यहाँ पे एक है, ये देखो, देखिए गाइस हड्डियाँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो अपना घर बहुत दिनों से बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो उसको, वो जब प्रेग्नेंट हुआ है तभी से घर बनाना शुरू किया है, यहाँ पे लाके खाता वाता वगैरह था, अभी जब बच्चा हुआ है, क्योंकि ये जो देख के ऐसा लग रहा है बहुत दिनों पहले बनाया गया है, रिसेंटली नहीं बनाया गया है। गाइस अभी देखो फिलहाल थोड़ा बहुत अपडेट मिला है, जो यहाँ पे जो हमारे भाई ने देखा हुआ था सबसे पहले, वो अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिए कि वो दिखने में कैसा है, वैसे बोल रहे थे कुत्ते के बच्चे जैसा, मुँह थोड़ा, मतलब मुँह की तरफ काला काला करके, जब वो वाला मतलब स्टेटमेंट बोला गया तब समझ में आ गया ये तो तेंदुआ या चीता वगैरह कुछ भी नहीं है, इधर हाइना है या फिर जैकल है, तो इस एरिया में जैकल भरती है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये जैकल है, कुछ भी हो इसको, मतलब बेसिकली यहाँ पे नहीं है। वो जो भाई देखे थे एक 8-10 दिन पहले देखे थे, तो यहाँ पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो भी हो इसको छोड़ते हैं, चलो हम निकलते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते। Thank you.
ताला का ताला। ये क्या है? विकास है हमारे साथ कैंपिंग में, ऐसा तो होना ही है सब चीज। विकास हो रहा है। तुम क्या अंदर पीछे घूम के क्या कर रहे हो? अबे हट, थोड़ा थोड़ा। क्या यार तुम, टमाटर गाजर सब खा ले रहा है। अरे तुम्हारे लिए रखे लाओ रे। भूख लगी। फाइनली हम लोग तो आ चुके हैं वहाँ से, शेर देख के गए थे, शेर देखने के लिए। देखी बिल्ली दिखा तो कुछ नहीं शायद, मुझे लग रहा है वहाँ से जो है मतलब इंसान आना जाना करते हैं, जो भी हो जो बंदा पहले देखा हुआ था उसके वजह से शायद वहाँ से शिफ्ट कर गए। और वहाँ पे डेफिनेटली वो चीता नहीं था, या फिर जैकल भी हो सकता है, या फिर हाइना भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी एक होगा। तो शायद हालांकि अभी फिलहाल के लिए वहाँ पे नहीं है। तो चलो मज़ा आया, लेकिन एडवेंचरियस था, डर डर लग रहा था कब सामने से निकल आएगा। पहले तो सोचे थे वहाँ पर पहले साउंड में पहले तो सोचा था तेंदुआ ही होगा, वही तेंदुआ उसको मम्मी चला आया। रील वील वगैरह बहुत देखे होगे ना, एक मछली पानी में गया छपाक, तो सोच रहे भाई यहाँ पे एक्चुअली में छपाक करेंगे पानी के अंदर, रात को मजा आएगा। तो अभी क्या करते हैं, रात का जो खाना के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, देखते आप लोग गेस कर पाते कि नहीं आज रात को क्या खाना बनने वाला है। और थोड़ा यीस्ट डाल देते हैं, बर्तन बताना ठीक है। टिंकू आज कोई काम ना करके आराम से बैठ के तुम मतलब डायरेक्शन। अरे ये क्या विकास खेलने लग गया, पूरा झका पूरा। उसको दे, उसको दे पानी बोतल, उसको दे लो आराम से बैठ। अरे मैं डायरेक्टर है, कैमरामैन है। क्या पानी भर के ले गया हम? क्या दर्शक तुम तो आज भाई बड़े ही मौज से हो, आज तब से बैठा है यहाँ पे, पूरा कुर्सी लेके आओ रे। हेलो गाइस, ये पानी तो थोड़ा बहुत गंदा है, इसको प्योरीफाई करने के लिए इस बार चलो ये जो हाइजीन मतलब आयोडीन टैबलेट्स है ना, ये इसको डालते इसके अंदर, आयोडीन टैबलेट ब्लीचिंग टैबलेट जो भी हो, इसके बाद ये पानी थोड़ा पीने में अच्छा लगेगा। तो चलो ये देखो छोटू सा एक टैबलेट, इसको इसके अंदर डालते हैं और आधा घंटे के लिए इसको रख देते हैं उबालने के लिए, मिक्स होने के लिए। बस हो गया, क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय। डायलॉग मारो। तो गाइस चलो अभी फिलहाल चलते हैं हमारा ग्रुप कैंपिंग का इंटरेस्टिंग काम में, जो कि है नेट डालना। नेट डालते हैं जाके मछली के लिए और थोड़ा नहा के आएंगे। अरे भाई यहाँ पे तो एक छोटा सा वाटरफॉल भी है रे। मिल गया जगह। हाँ पानी तो पूरा शांत दिख रहा है, गहरा भी है क्या? गहरा तो लग रहा है, बहुत जगह है एक्चुअली यहाँ पे नेट डालने के लिए। उधर उधर चट्टान भी है,
गहरा तो बहुत है, आगे की तरफ भी होगा बहुत। अच्छा जगह है, फिशिंग रॉड लाना चाहिए था। लाना चाहिए था ना, मैं बोल रहा था। चलो नेट डालना शुरू करो। मस्त जगह, मस्त है। हो भाई हमारा ओवन नहीं, ओवन नहीं, ये क्या है, हवन 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 करेंगे, हवन करेंगे। टीका जाके बोल रहे भाई हवन, बोले हवन ज्यादा। जगह को खराब कर रहा है, समझ रहा है कि नहीं, क्या हालत बना के रखा है, देख मारेगा सुबह। अरे 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 सुमन के, क्या वो नहीं बिच्छू नहीं, बिच्छू नहीं वो जहरीला चींटी है क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं यार जहरीला नहीं, पकड़ के देख विकास बिना काटे ही विकास डर गया, हट जा उधर से विकास, सच में विकास हट है ना कमल के, अगर काट लिया ना हमारा विकास, सच में विकास नहीं सकता। क्यों ऐसा कहा है तुम दोनों? अरे सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज हमारा वो बर्तन किधर है? कौन सा बर्तन? अरे तुमको नहीं पता वो बर्तन नहीं एक पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, लेके आओ टिंकू। ऑडियंस लोग को पता है, जो पहले चार वीडियो देख चुके उन लोग को पता है क्या बर्तन है। ये तो फिलहाल सही है, क्या है क्या है देखो, क्या ये है? देखो क्या है, दिखा
अरे अंदर इधर तो ना, अंदर तो देखो क्या है। बोलो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये देखो मिट्टी के ग्लास भी है भाई। पता नहीं इसको हम लोग अब तक ट्राई नहीं किए, पता नहीं इस बार ट्राई करके देखेंगे। अपुन 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 TTW TTW ब्रांड है भाई। ये इसके अंदर डाल दे, ये रहा TTW का मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज। तो गाइस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से है, कैसे बना, ये जो घर है ये कहाँ से आया, आया तो नहीं मतलब कैसे बना ये वाला, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोग हमारे जो प्रीवियस वीडियो का सीरीज जो है नहीं देखे हो, जिसमें मैं और टिंकू दो कैंपिंग में आके बढ़िया से पूरा ये जगह का क्या हालत था और उसको क्या बनाए, पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे सदियों से लोग रहते हैं, रहने के लायक बना। और उस टाइम जब आए थे ऐसे लग रहा है भाई रहने लायक है ही नहीं। तो भाई वो सारा चीज़ भाई देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारा वीडियोस का, जाओ पहले वो वाला वीडियोस देखो, अगर ये वाला देख रहे हो कंटिन्यू कर रहे हो तो ये वाला कंटिन्यू कर दो, वरना मेरा वॉच टाइम डाउन हो जाएगा, उसके बाद जाकर वो वाला सारा सीरीज देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना है। तो चलो फिलहाल के लिए अभी सबको लगा है भूख, देखो विकास का हालत देखो पूरा मायूस होकर बैठ गया, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अभी जो खाना बनेगा ना भाई मुंह में पूरा पानी आएगा, आप लोग बहुत जन गेस कर लिए होगे क्या बना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, अरे तालिया, ये किसने किया? विकास का ही काम होगा। नहीं नहीं मैंने किया सर, देखो उसका हंसी, दिखाओ दिखाओ, चोर जैसा हंसी। विकास ऐसा काम कर सकता है? पंडित है मंदिर में? नहीं मैं केला नहीं खाया। नहीं मैं केला नहीं खाया। नहीं मंदिर में कौन है? ए, मंदिर में कौन है? मैं केला नहीं खाया, नहीं खाया। आ, देखो ओ भाई गजब गजब फुलाए रे, सेंट भी मस्त आ रहा है ना। बा क्या हुई है? हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा, कैंपिंग में पिज्जा, ट्रिप द वर्ल्ड पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा। तो चलो हाला क्या लग रहा है, कितना तो बनेगा? 8-10 भगवान जो भी करते हैं मंगल के लिए करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। दुखी मन के साथ हमारा टूटा हुआ बर्तन। जो पिज्जा सॉस खुद बनाने से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या ही करें। लेकिन एक दिक्कत है पिज्जा में भाई, एक साथ दो ही बन पाएगा। दो खाओ फिर वेट करो, फिर दो खाओ, फिर दो खाओ, इसीलिए टीम के काम करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? जब चार बन जाएगा बस बस तब तुम खाना, उसके बाद जगर खाना, ठीक है ना? ठीक है। पिज्जा में मेन चीज है भाई ऑनियन कैप्सिकम। मैं राजीव भाई को भुवनेश्वर में रहते हुए बोला था मुझे थोड़ा पिज्जा खिला, और अभी खिलाया, अभी खिलाया याद है। मैं यहाँ पे पिज्ज़ा चीज़ पता नहीं दिखा था लेके आ गया, उसी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेट मोज़रेला भी लाया हूँ लग रहा है पनीर दिया और पनीर दे रहे हैं। अभी डालते हैं भाई मोज़रेला चीज़, प्योर मोज़रेला भाई, ये तो मेटल से इसको ये किया गया है, सील किया गया है, मतलब इस फट जाएगा, एक बार सील फटा तो पूरा यूज करना पड़ेगा, तो पूरा पेपर होने की तरह निकल रहा है। ये जो मोज़रेला चीज ये थोड़ा चीज फूल देगा और क्या। ओके इसके अंदर भाई और एक भी चीज जाने वाली है, ये देखो ये है चिकन पेपरोनी, ये तो बढ़ाएगा स्वाद। इसको हम तेल में फ्राई करके नहीं खा सकते बाबू भाई। ये
पूरा भर भर के देना है, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। इधर डाल दो, ओनली 499 1000 लगाना, थोड़ा बेजल का पत्ता, काजल काजल। ये एक रेडी हो चुका है, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहा है। अरे अरे वो बंद हो गया, आग जा जाओ आग लगाओ, मैं तब तक और एक बनाता हूँ, एक साथ दोनों डालेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे होगा रे? गाइस देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है, दोनों पिज्जा रेडी है, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। ये पूरा वाइल्ड तरीका है ना वो। कौन सा वाला चाहिए गाइस? दोनों। इसको भी ढकने का। भैंस किसके पास बड़ी लगी है? नहीं नहीं, पहले दो होने दे तो फिर जाके इधर देखेंगे। नहीं ये तो भर के चीज बनी, पिज्जा शायद हो चुका है, थोड़ी देर पहले देख रहा था, इस साइड वाला जो पैन में डाला हुआ था वो वाला हो चुका है, राइट साइड वाला अभी थोड़ा बाकी है शायद, इसको निकाल लेते कहीं जल ना जाए। क्या हुआ क्या हुआ? बन गया है। वाह लो, नीचे से जल तो नहीं गया? ओ पूरा मेल्ट हो चुका है, चीज देख रहे हो कितना जबरदस्त दिख रहा है। गाइस देखिए पिज्जा, ये वाला पिज्जा तो रेडी हो चुका है मस्त से पूरा। चलो खा के देखते कैसा टेस्ट बना है। नहीं पता नहीं नीचे जल गया है कि नहीं, इसका कटिंग करते हैं। भाई साहब ओहो, चलो खा के देखते। नीचे की तरफ भी सही हुआ है, देखो जला नहीं है। मैं पकड़ा हूँ इसको, तुम काहे पकड़े हो उसको। चलो गाइस चीयर्स। Cheers guys, कैंपिंग में पहली बार पिज्जा देखते हैं। ठंडू भाई चेस। मैं तो जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ लाला, पहली बार जिंदगी में पिज्जा खा रहा, कैसा लगा लाला? बहुत बढ़िया विकास, जबरदस्त जबरदस्त है ना? देखोगे रस्सी देखोगे, मस्त बनाया गाइस, सही बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त बनाया, क्रंची क्रंची है पूरा, ऊपर से पेपरोनी का टेस्ट बढ़िया रहा है। ये जो चीज भी है मतलब देखो मोजरेला चीज क्या होता है, जो एक्चुअल वाला होता है उससे ही ज्यादा चीजफुल आता है, लेकिन ये कैंपिंग में वो लेके आ पाना बहुत मुश्किल है, खराब हो जाएगा थोड़ा ये होगा तो। भाई मजा आ रहा है, डोमिनोज फेल भाई इसका, विकास बोलेगा बारहवीं मस्त चीज है, बढ़िया हुआ है। हमारा इस साइड वाला पिज्जा भी रेडी हो चुका है। हाय हाय, ये वाला पिज्जा लग रहा है पूरा परफेक्ट बना है, ठीक है मस्त बना है वाला पिज्जा। ये देखो ये वाला उससे भी ज्यादा फूला है। ये वाला पिज्जा बढ़िया सॉफ्ट हुआ है, देखो इसमें शायद थोड़ा बहुत चीज फूल देखने के लिए मिलेगा क्या? हाँ थोड़ा देखने के लिए मिला चीज फूल जो है, पूरा बढ़िया सॉफ्ट बना है, ये अच्छा लगेगा खाने में। और चीज गाइस फिर से देखो चीज फूल। खत्म हो गया क्या? रस्सी
गजब पिज्जा बनाया गाइस। ये और भी मस्त लग रहा है ना। एक पिज्जा बनाएंगे ना पूरा चीज भर देंगे पूरा, इसमें ही बहुत चीज गया है, वो भी मजा आएगा खाने में। तो बताओ तुम सभी लोग बताओ, पहली बार कैंपिंग में आके पिज्जा खाए कैसा लगा? हाय हाय लाला पहली बार खा के पूरा खुश नहीं? हाँ जबरदस्त। जाके बोला को बताना देख क्या खा के आए। तो गाइस और एक पिज्जा भी रेडी हो चुका है, देखिए हमारा मशरूम पिज्जा, मशरूम पेपरोनी पिज्जा कितना गजब दिख रहा है भाई, चीज भी इसमें भर भर के डाला गया है भाई। इसे तो चार पीस करो। टिंकू तब से बोल रहा है ये भी गलत फूट ना। नहीं 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 मैं सोचा वो ही, कोई गलत नहीं, जैसे काट रहे थे वैसे ही काटेंगे वैसे ही खाएंगे। ये मस्त जूसी बनाए, इतने से इस बार आएगा वो चीज फूल नहीं। ये देखो रुको रुको भाई निवाला छीन लिया गया। नहीं नहीं चीटिंग है चीटिंग है। अरे नहीं नहीं मेरा वाला नहीं पकड़ने का। अरे नहीं अरे भाई गायब। अरे तुषार भी है भाई। अरे उधर भी एक बंदा खड़ा है कैमरे के पीछे। लाला तीन पीस ले, रुको रुको पहले खा के देखते। लाला नहीं चलेगा मशरूम ही नहीं। मशरूम ही नहीं है। गजब लग रहा है मशरूम के साथ। अरे खत्म क्यों नहीं हो रहा? इसमें चीज का कोई कमी नहीं है, मस्त लग रहा है भाई। अब तक हम लोग चार पिज्जा खा चुके हैं, वाला पांचवा है और भी दो बन रहा है। और ये सबसे पिज्जा ही पिज्जा, गजब टेस्ट है इसमें। अरे 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 भाई तुम अपना मशरूम सारा। अरे भाई कहाँ से लीजिए, इतना बढ़िया ग्लास बनाया है भाई। पीने को और क्या चाहिए, ग्लास पानी 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 गजब। पानी उसमें डालने से मधु हो जाता है क्या? झापुर खाएगा, खुशबू आता है ना मिट्टी का, खुशबू जो आता है। तो गाइस हम लोग जो पिज्जा खाए दबा के जो पिज्जा, कितना टोटल आठ हुआ या सात? सात पिज्जा खा लिए गजब, एक के बाद एक, एक के बाद एक नया नया वो भी मशरूम, उसके बाद टमाटर, जो जो था हमारे पास सब देखे पिज्जा खाए, मजा आ गया। उसके बाद एक घंटा करीब हो गया ऐसे बातें कर रहे थे ठंड के अंदर, थोड़ा बहुत ठंड है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। तो बैठ बैठ के एक चीज दिमाग में आइडिया आया, थोड़ा नहा के आते नहीं, नहलाते नहलाते कैसे नहलाते इतने रात को? अभी मछली, अभी ट्रेंड में चल रहा है ना भाई, शॉर्ट्स रील्स वगैरह में देखे भाई, एक मछली जिंदा है पानी में गई, पानी में गया झपा। तो चलो सोच रहे कि भाई वो ट्रेंड हम भी फॉलो कर लेते हैं, हम भी थोड़ा खेल शुरू करते हैं, ठीक है? पर उसे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब एक मछली पानी में गया छपा, ठीक है ना, अगर कोई भी इसमें से तीन बार गलत किया तो उसको भाई पानी में जाकर छपा करना ही पड़ेगा। तीन बार, हाँ तीन बार, लेकिन चलो क्या वो फोकस आउट हो जाएगा, फोकस मैनुअल फोकस में रख के आ जा। नहीं नहीं वो चार्ज है ना, कोई टेंशन नहीं, चलने वाला नहीं, ये है इन्वर्टर है आ जा। नहीं वो बीच बीच में ऑफ हो जाता है ना शूटिंग, खुशी नहीं ऑफ नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा शूटिंग, फिर बाद में शूट ही नहीं होगा। बैठने के लिए उठो वहाँ से, देखो दूर से ही बोल रहे हैं, दूर से ही बोल रहे, दूर से ही बोलेगा। अब बात सही है, अभी सही है, चलो रेडी, कौन शुरू करेगा? मैं शुरू कर दो। एक मछली पानी में गई छपाक, दो मछली, सुनो सुनो देखो पानी में गया ऐसे बोलना पड़ेगा, छपा कैसे बोलना पड़ेगा, एक मछली ऐसे ऐसे नहीं, एक मछली नहीं, एक मछली, दो मछली, दो मछली पानी में गई छपा, एक बार रेडी विकास रेडी की तरफ जा रहे हैं।
एक मछली पानी में गई झपा दो मछली पानी में गया झपा तीन मछली पानी में गई चपाक इतना लेट से नहीं होगा चपाक चपाक कितने लोग करेगा एक दो तीन चपाक चार सुनो तीन मतलब सब कुछ तीन मछली मतलब सब कुछ पता है तुषार का एक हुआ विकास का एक हुआ चलो शुरू करो विकास को बोलो एक मछली पानी में गया चपाक चपाक मतलब ऐसे बोला ऐसे मत बोलो चलो ठीक ही था एक मछली अरे बाग बाग हो गया ये दो मछली नहीं हो गया चपाक था हो गया टिंकू भाई का भी एक हो गया पांच मछली टिंकू भाई भी हो गया एक मछली पानी में गई चपाक दो मछली पानी में गई हो गया कैसे हो गया मछली बोला ना टिंकू दिया तुम क्या किया अरे फिर से करना पड़ेगा एक मछली क्या सबका एक मैं अकेला बचा हूँ एक ही बोला मैंने उसे समझ में आता है जब इतना लेट करोगे तो भी नहीं होगा हाँ टिंकू स्टार्ट करो एक मछली पानी में गई चपा दो मछली पानी में गई छपाक तीन मछली पानी में गई छपाक चार मछली पानी में गई छपाक दो बार बोला था ठीक है बोला विकास झपाक बोला राजेश भाई झपाक बोले तू भी झपाक इसलिए मैंने पूछा सही चल रहा था ना सब सही था मेरा तो हो गया था ना चार मछली कौन बोला था याद है चार मछली तुषार भाई ने नहीं मैं शायद मैं स्टार्ट किया था चार मछली ना चार मछली था या तीन मछली था किसने बताया चार मछली पानी में गया ठीक है छपा पानी में गया उसको छपा अच्छा छपा हुआ तो तुम सुनो टिंकू तुम पानी में गया रुको रिकॉर्डिंग है ठीक है गाइस देखो हम लोग तो चेक करने गए थे लेकिन चेक नहीं कर पाए टिंकू जी ठीक है तो गाइस हमारे टिंकू भाई तो नहीं माने तो एक माफ किया जा रहा है आप लोग तो वीडियो देखे हो हम लोग घर जाके पता चलेगा तो आप लोग कमेंट करके बताओ टिंकू चीटिंग किया या फिर हम गलत सांप चीटिंग की सांप सांप बोल रहे चीटिंग के तो चलो फिर से शुरू करते हैं एक मछली पानी में गई झपा दो मछली पानी में गई झपा झपाक लेट किया मतलब नहीं होगा इतना सोच नहीं होगा मतलब कितने टाइम बाद तीन मछली बोला ना मैंने नहीं चलो ठीक है बोला लेकिन इतना टाइम नहीं होगा गलत तो नहीं बोला गलत अरे तुम अभी 5 मिनट सोच के बोलोगे तो क्या फायदा चलो ठीक है तीन मछली पानी में गई छपाक चार मछली पानी में गई छपाक पांच मछली पानी में गई हो गया राजीव भाई का हो गया पांच तुमसे पांच होगा पांच मैं पांच बोला ना एक दो तीन चार पांच तो फिर मैं पानी में गई बोलूंगा ना पांच मछली क्यों बोलूंगा नहीं ऐसा ही हुआ था मेरे साथ मैं बोला पांच मछली ठीक है मैं बोला पांच मछली ये बोला पांच मछली तीन हुआ चार हुआ पांच हुआ फिर मैं बोलूंगा ना पानी में गई अच्छा वही तो बोला कंफ्यूजन अपन के साथ नहीं ये देखो ये कंफ्यूजन में क्या है ये लाला मेरे साथ था ये मेरे साथ था तुषार का कंफ्यूजन हुआ उसको भी दूर हो गया लेकिन तुम्हारा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था तो चलो पांच मछली से मैं शुरू करता हूँ पांच मछली पानी में गया छपाक 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 छह मछली
पता था इससे गलत होगा, पता था मेरे को। लाला का एक बार हो गया, लाला का दो छह मछली दो, लाला और एक मछली कहाँ से आ गया भाई? देखो तो है ना, पानी में चला गया, देखो ज्यादा हो गया ना, मुझे कंफ्यूज है कब मेरी बारी आएगी। सब रखना है अपना, चलो चलो लाला शुरू कर। एक मछली, एक हो गया, एक मछली दो 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 भाई बड़ा मजेदार गेम है तो ये वाला। पानी में गई, पानी में दो 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 दो। तुम बोलने गए थे भाई, पानी में गई बोलने गए नहीं नहीं, वीडियो है, वीडियो है भाई। तो फिर अपन क्या बोले? पहले राउंड में तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने तो बोला भी नहीं था। तू पहले मुरे से बोल दिए पानी में गई, कुछ और बोलने जा रहा। पानी में गई बोलने गया था, दो दो दो। तुमको सुनाई दिया क्या? मैं हाँ, मेरे को सुनाई दिया, मेरे को सुनाई दिया। राजू भाई उस समय भी तो फर्स्ट तो मेरे साथ, टिंकू का भी तो वही हुआ, भी मेरा भी तो वही हुआ, सेम टिंकू का भी वही हुआ, वही हुआ। लो शायद लग रहा है बहुत जल्दी गेम खत्म होने वाला है। दो दो दो, देखते हैं कौन जाता है पानी में जाके छपाक करता है। कौन मिस्टेक किया था लास्ट टाइम? ये एक मछली, नहीं नहीं उधर से स्टार्ट होगा ना, एक मछली करो, एक मछली पानी में गया, छपाक, दो मछली, दो मछली पानी में गया, पानी में गया, छपाक, छपाक, तीन मछली, तीन मछली, तीन मछली, तीन मछली, तीन छपाक हो जाए, छपाक हो जाए, छपाक हो जाए। बिकार बोला मैं भाई, चलो 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 उठो उठो उठो, छपाक का टाइम आ चुका है, उठाओ लाला जाना, सच में उठाओ लाला, छपाक का टाइम आ चुका है, ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं। से स्टार्ट होगा, चेंज कर गाइस, दिस टाइम टू छपाक, चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम टू छपाक, छपाक लाला छपाक। एक मछली पानी में गई, लाला मछली छपाक, देखो छपाक। आके बात चलो, मछली जलकर रानी है, मछला मछली जलकर राजा है, ये तो मछला है। ऐसा बात राजा मछे ठीक छे भाई, राइट छे, राइट छे। लेटर अपने आप ही उठ जाओ। हंस कर रहे हो तुम लोग? राजेश भाई का सिर ऊपर क्या बोले तुम, कौन क्या कर रहे हो भाई, सुबह हो गया क्या? तो गाइस हम लोग चले सोने के लिए, अभी उड़ने के लिए सब कहाँ ऊपर कहाँ रखी है, हमारा विकास ये मुझे और संतो भाई को चाहिए। अरे वो वाला ले, पिंक वाला ले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल सुबह, जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और नेट तो हम लोग कितना लगाए इस बार? छह नेट लगाए, जगह भी अच्छा है, शायद मिलेगा, लग रहा है साइज का मिलेगा पूरा अच्छा। इतु सा कितु सा छोटा वाला नेट डाले ना, शायद एक में ही बड़ा वाला फंसेगा। ठीक है विकास को ये रात में ये मत खींचना, ठीक है नेट बड़ा वाला है, विकास को भेजेंगे। ठीक है भाई, क्या हो गया, इतना अंधेरा क्यों हो गया भाई?